संदीप जी, स्थिति आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस स्थिति के लिए यमुना के किनारे के? देखिए, स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है। रोज रात को गाड़ियां आती है, ट्रक आते हैं, रिक्शे आते हैं और आके जो है मौका देख के यहाँ पे पलट देते हैं। न नीचे जाते हैं, न कहीं जाते हैं, ऊपर ही इस कूड़े का अंबार ये लगाते जा रहे हैं। ये रिक्शा स्टैंड है, लोग आके यहाँ पे बैठते हैं, साथ में हनुमान जी का मंदिर भी है। तो आप, स्थिति आपके सामने है, कितनी बुरी स्थिति यहाँ पे हो चुकी है। अगर हम बात करें दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है पॉल्यूशन से निपटने के लिए, वहीं राजधानी दिल्ली में यमुना किनारे एक कूड़े के ढेर लगते जा रहे, डंपिंग यार्ड तैयार हो रहा है यहाँ पर, क्या कहेंगे? सारे खोखले वादे हैं। कहीं भी आप जाके देखिए, हर जगह जो कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। और हम ज्यादा दूर ही नहीं जाते, हम अपने क्षेत्र में देखते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं पर कूड़े के ढेर है। लोगों का निकलना रहना इतना मुश्किल हो चुका है, कोई भी प्रशासन का अधिकारी देखने के लिए तैयार नहीं है कि लोगों की स्थिति क्या से क्या हो रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर सुबह के टाइम भारी संख्या में बुजुर्गों का निकलना रहता है, टहलने लोग आते हैं और अभी गंदगी के अंबार लगे हैं, बदबू बहुत तेज है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम इस मुद्दे को, मुझे लगता है कि हम 5-6 साल से लगातार उठाते आ रहे हैं। बार बार प्रशासन को चेताया जा रहा है कि इस चीज पर रोक लगाए। अब पहले क्या होता था कि पहले ये कूड़ा जो है ना जगह जगह फेंक दिया जाता था क्योंकि पुस्ता था। अब जब से ये दीवार हुई है, दीवार होने की वजह से जो ट्रक रिक्शे होते हैं ये कूड़े को पलट नहीं पाते हैं, तो ये एक छोटी सी जगह इनको यहाँ पे मिली हुई है। इस जगह पे लाके ये रात के अंधेरे में आते हैं, आके कूड़े के जो ढेर होते हैं, कूड़े का जो ट्रक होते हैं, रिक्शे होते हैं, उनको लाके यहाँ पे पलट देते हैं। संदीप जी, अगर बात करूँ ये मामला यमुना के किनारे सफाई का मामला है, एक ट्रस्ट के द्वारा कोर्ट में भी लंबित है, लेकिन सरकारें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही इस मामले पर, क्या कहेंगे? बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। यहाँ से नीचे आप देखिए, कूड़े के इतने बड़े बड़े ट्रक हो गए, कोई छोटी मोटी रिक्शे से आया हुआ कूड़ा नहीं है, ये बड़े बड़े ट्रकों से आया हुआ कूड़ा है। कोई सरकार प्रशासन बिल्कुल देखने के लिए राजी नहीं है। यहाँ पे रिक्शा स्टैंड है, रिक्शे और सवारी दोनों आते हैं, इतनी बदबू यहाँ पे उठ रही है, धीरे धीरे एक महामारी का रूप ले लेगी। हम बार बार इसके लिए प्रशासन के आगे हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप आइए, कम से कम कुछ न कुछ चेतावनी के बोर्ड लगाइए, कुछ न कुछ छोटी मोटी कार्रवाई करिए। यहाँ पे जो अवैध रूप से जो चल रही फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, यहाँ से जो रोज रात को कूड़ा निकलता है, वो कूड़ा आके आप यहाँ पे पलट देते हो। अब यहाँ पे निकल, मतलब बैठना तो दूर की बात है, कोई यहाँ से निकल भी नहीं सकता, इतनी दुर्गंध बदबू यहाँ पे फैली हुई है। आपका नाम? राम शरण। रामकरण जी, आप ई रिक्शा चलाते हैं, उसके सामने ये कूड़े के अंबार लग रहे हैं, बुरा हाल है यहाँ का, क्या कहेंगे? गंदगी तो यही है, मच्छर बैठते हैं यहाँ से, बड़ी गंदगी आती है। तो ये जो स्थिति यहाँ बन रखी है, कितने समय से ये हाल हो चुका है? इस चौक का यमुना का किनारा है और इतना बुरा हाल है यहाँ पर, तो काफी दिन से चल रहा है ऐसा ही, लोग कूड़ा जोड़ते रहते हैं, उठाते हैं। ये जो बड़े बड़े ट्रक यहाँ आकर कूड़े के फेंके जा रहे हैं, तो क्या दिन में फेंके जाते हैं, रात में आते हैं यहाँ पर? तो कोई रात को आता है, दिन में तो कोई आता ही, दिन में नहीं आता कोई भी। तो इससे आप लोगों को कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि आप लोग ई रिक्शा सवार हैं, या सवारियों को भी दिक्कत होती है? तो सवारियों की दिक्कत होती है कि बदबू स्मेल आती है, बदबू मारती है गंदगी, यही परेशानी। आपका नाम? शौकीन। शौकीन जी, ये जो हालात हो रखे हैं यमुना के किनारे के, क्या कहेंगे इस हालातों को लेकर? कहेंगे कैसे, इसमें गंद मचा रखी है, कहते हैं, कह रहे हैं स्वच्छ अभियान चल रहा है, इसे सारे में डंपर ला के पलट रखे हैं कूड़े के। दिलीप पांडे जी तो आके ही नहीं देखते इलाके में, क्या इलाके में हो क्या रहा है, समझे? अगर बात करें यमुना किनारे को लेकर, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, यमुना मिशन चल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जो स्थिति है, क्या कहेंगे इनको? कोई दावे नहीं इनके, कह रहे हैं कागजों में दावे हैं, वैसे कोई दावे नहीं इनके, कह रहे हैं देख लो आपके सामने कितनी गंद मची पड़ी है। तो कभी आपको विधायक मिले नहीं यहाँ पर एरिया में? तो विधायक देखा ही नहीं, विधायक है कौन ये तो न जानते हैं कि दिलीप पांडे आज तक चाय के नहीं देखा पूरा। अच्छा, चालक है, रोड भी बदहाल है, राम घाट की बात करें, काली घाट की बात करें, उसके आगे की भी स्थिति कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, तो कभी आप लोगों ने इस मामले को उन तक पहुंचाया? जब आएंगे जब ही तो पहुंचाएंगे, क्या जब इलाके में नहीं आते तो पहुंचाएंगे किसके पास में?